दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई जय किसान डॉट ओ आर जी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बढ़ते कदम जय किसान डॉट ओ आर जी। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, आम आदमी की स्वास्थ्य समस्याएं और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, इन सब के बीच बीमारियों के बारे में अज्ञानता और सही सलाहकार की गैर मौजूदगी, इन सब ने हमें प्रोत्साहित किया हेल्थ दरबार बनाने। हेल्थ दरबार का मकसद है दूरदर्शन जैसे सशक्त माध्यम से प्रसिद्ध चिकित्सकों की अमूल्य सलाह आम आदमी तक पहुँचाना और उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना। नमस्कार, मैं हूं कुमार महेश, आप सभी का हेल्थ दरबार में स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट अर्थात तनाव प्रबंधन। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उदयन, डॉक्टर विनाक्षी, डॉक्टर पसीजा एवं डॉक्टर प्रवीण। तो दर्शकों, आइए आरंभ करते हैं अपनी चर्चा। डॉक्टर साहब, एक आम व्यक्ति किस तरह से तनाव मुक्त जिंदगी जी सकता है, इसके लिए वह क्या करे और कैसे होते हैं तनाव, ये सवाल मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर हरपाल पसीजा जी। तनाव क्या होता है? सबसे पहले तो उसके प्रबंधन से पहले वी शुड नो व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है हमारी एक मेंटल स्टेट होती है जो कि हम जो हमारे रूटीन वर्क होता है उसके साथ जब हम कोप अप नहीं कर पाते हैं देन वी आर अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी ऑफ फोर टाइप्स। इट कुड बी ड्यू टू प्रेशर्स या जो हमारे ऊपर रोज के तनाव के कारण होते हैं, प्रेशर्स, एंजाइटीज या फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे अंदर खुद के अंदर होते हैं या जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, उनकी वजह से जो है व्यक्ति तनाव में आ जाता है। इसी सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर विनाक्षी से। बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेशेंट जो इंसान है, बंदा है, वो अपने आप को बहुत तनाव में महसूस करता है। इसका बहुत हद तक असर पड़ता है कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह से, किस नज़रिए से लेते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत छोटी सी चीज़ को कोई इंसान बहुत बड़ा करके ले लेता है क्योंकि वो उसके लिए स्ट्रेस का कारण हो जाती है। किस नज़रिए से कोई भी घटना या फिर कोई भी बात है वो इंसान अपने जीवन में ले रहा है, इस बात का तनाव पे, उसकी मानसिक स्थिति पे बहुत असर पड़ता है। दर्शकों के बीच से एक सवाल आ रहा है, चलते हैं दर्शक के पास, लेते हैं उनका सवाल। मैं अरुण कुमार देव, फैकल्टी जीआरई, टीचर फैमिली की तरफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो ये है कि तीन चीजें उनको हमेशा ट्रबल करते हैं। वो एक तो बच्चों की तरफ से, अगर बच्चे पढ़ा नहीं तो क्या करें उनके ऊपर, ऊपर से पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को क्या जवाब दें, दैट इज सेकंड वन। थर्ड वन ऑब्वियसली हाउ आई इंक्रीज माय इंक्रीमेंट, मैनेजमेंट क्या सोचेगी। नॉर्मली यही टीचर्स को बार बार गेट के अंदर आने से पहले बार बार ये चुभती है, इस तनाव से कैसे रहे, कैसे उसको मुक्त पाए। बड़ा अच्छा सवाल आया है डॉक्टर साहब कि किस तरीके से एक अध्यापक जो बार बार उनको तनाव आते हैं कैसे उससे मुक्त रहे, इसका सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर हरपाल पसीजा जी से। जो टीचर है वो स्कूल में अंदर आते ही या कॉलेज में आते ही वो उनको जो है स्ट्रेस होता है या तनाव होता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उनको एक तो देखना है कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा हो, सेकेंडली ये होता है कि उनको आगे मैनेजमेंट को भी जवाब देना पड़ता है। अब वो अपनी तरफ से जो है बच्चे को पढ़ाने की पूरी अच्छे से कोशिश करते हैं, लेकिन हर बच्चे की जो होती है वो कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरह से वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये होता है कि हर बच्चा जो होता है उसकी अपना मेंटल लेवल सबका अलग अलग से होता है। तो उनको जो है एक क्लास में जब वो पढ़ाते हैं पहली चीज़ ये देख के चलना पड़ता है कि वो एक एवरेज बच्चे को किस तरह से ट्रीट करते हैं उस तरह से करें। फिर जो है उन बच्चों का जो है जो स्लो है उनके लिए उनको जो है किसी काउंसलर से स्पेशल हेल्प लेनी चाहिए कि किस तरह से वो उन बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर
उनको भी आगे क्लास में उसी तरह से दूसरे बच्चों के बराबर ला पाए। और तीसरा अब बात आती है कि उनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियरली बता दें कि आपका बच्चा जो है इस फील्ड में थोड़ा सा वीक है, तो उसको उस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए कि उसे हम इस तरह से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाए। इनका दूसरा सवाल था कि जो है पेरेंट्स को किस तरह से बोला जाए। अगर आप डायरेक्टली पेरेंट को बोलोगे कि आपका बच्चा जो है वो बहुत कमज़ोर है, तो हो सकता है वो पेरेंट बहुत अच्छे से उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाता। सबसे ज़रूरी होता है कि पेरेंट को भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि उसके बच्चे के अंदर क्या क्या कमियां हैं या उसके अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो हमेशा ये लेना चाहिए कि पहले उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो होती हैं उन पे आप ज़्यादा स्ट्रेस दें, उसके बाद जो है आप पेरेंट को भी काउंसिल कीजिए कि हाँ आपका बच्चा इन चीज़ों में बहुत अच्छा है लेकिन इसमें उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो पेरेंट को भी एकदम से पिंच नहीं करेगा। थर्डली है कि मैनेजमेंट से आप किस तरह से बात करें। देखिए मैनेजमेंट से बात करने के लिए ये होता है कि आप क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है उसको एक लिमिट में रखना चाहिए। कॉलेज लेवल पर चाहे 100 स्टूडेंट्स होंगे वो तब भी मैनेज कर जाएगा, लेकिन स्कूल लेवल पर जो आइडियल रेशियो होती है 1:30 की होनी चाहिए। उससे अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है टीचर बच्चे को पूरा अटेंशन नहीं दे पाएगा, तो ये चीज़ बहुत क्लियरली जो है मैनेजमेंट को भी बतानी पड़ेगी। तब हमारे एक नन्हे दर्शक का एक सवाल है तनाव से संबंधित, तो चलते हैं अपने दर्शक के पास, लेते हैं उनका एक सवाल। मेरा नाम आयुष है और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे एग्जाम्स पास आते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है, तो इस टेंशन से कैसे बचा जाए? तो बड़ा अच्छा सवाल हमारे नन्हे दर्शक ने पूछा है कि जैसे ही छात्रों का एग्जाम्स का टाइम पास आता है ऐसे ऐसे ही उनको तनाव हो जाता है, वो कैसे मुक्त रहें, इसके लिए कैसे वो तैयारी करें, इसका भी आप जवाब दीजिए डॉक्टर हरपाल। इस बच्चे ने जो है बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल जो है हम देखते हैं कि टीवी पर भी रोज़ एक आध न्यूज़ आती है कि स्ट्रेस की वजह से जो होता है बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं, वो इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं क्योंकि उनके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो स्ट्रेस से दूर रहने के लिए बच्चों को चाहिए कि अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, जितना वो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें, हर घंटे के बाद जो है लगातार बैठ के ना पढ़ के हर घंटे के बाद बीच में 10 मिनट का ब्रेक लें। पढ़ते वक्त अगर वो किसी भी सब्जेक्ट से बोर हो रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को छोड़कर वो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दें। जो 10 मिनट का वो ब्रेक लेते हैं उस ब्रेक के अंदर उनको चाहिए कि जो भी वो करना चाहते जो उनकी हॉबी है उस चीज़ को वो करें, या फिर 10-15 मिनट के लिए बीच में जब वो बाहर खुली हवा में घूमकर आएंगे और फिर दोबारा आके बैठेंगे तो इस तरह से वो अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा पाएंगे। इसी सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर प्रवीण से। बच्चों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है एग्ज़ाम से होता है, तो बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम को सबसे पहले तो हम बच्चों को ये समझाएं कि एग्ज़ाम को आप बहुत ज़्यादा एज ए स्ट्रेस की तरह ना लो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ो, और अगर बहुत कंटिन्यूस सिटिंग में जैसे आप पढ़ते हो उसको ब्रेक करो, आधे घंटे पढ़ो थोड़ा ब्रेक लो, फिर उसके बीच में जैसा कि मैम ने बताया जो आपकी हॉबी है अपने हॉबी के अकॉर्डिंग, अगर आप टीवी देखना चाहते हो या कोई गेम्स खेलना चाहते हो तो उस आप उसके थ्रू जाओ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो है उसको चेंज करते रहो, थोड़ा चेंज किया दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, इस तरह से करके हम थोड़ा स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। और पेरेंट्स को भी हम ये काउंसलिंग कर सकते हैं, पेरेंट्स को ये बोल सकते हैं कि बच्चों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों के 90% आए 80% आए, तो हर बच्चा एक लेवल का नहीं होता कि कोई 90% लाए 80% लाए, तो आप बच्चे का अपना लेवल देखो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे से एक्सपेक्ट करो, हर बच्चे से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इसी प्रश्न का उत्तर मैं डॉक्टर उद्यन से जानना चाहता हूँ, और साथ ही ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके से इस तनाव से बचें, किस तरीके से वो एक कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन में आने के लिए भी एक तनाव रहता है, तो वो किस तरीके से इससे बचें वो भी आप बताएं। देखिए स्ट्रेस जो है सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। सबसे पहले आपको ये करना है कि प्रिवेंशन के लिए आप ये करेंगे कि जो भी आपकी सिचुएशन आने वाली है कमी
उसको प्लांट करिए। अगर आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स मई जून या जो भी उनका सेशन पे होने वाले हैं, उससे पहले आप कोर्स कंप्लीट करिए, उसका रिवीजन करिए प्रॉपरली, आपको कंपैरेटिवली टेंशन या फिर स्ट्रेस कम होगा। दूसरी बात, स्ट्रेस अगर होगा भी उस वक्त, उसके लिए आप वेरियस टेक्निक्स हैं, जैसे कि ऑन दैट टाइम आप अपना रिवीजन या कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, नींद पूरी लीजिए, अपना डाइट मैनेजमेंट रखिए, टाइम शेड्यूल्ड पूरा रखिए कि टाइम से उठना है, उसके बाद में ब्रेकफास्ट या जो आपका डेली शेड्यूल है उसको पूरा करना है। इसके अलावा कुछ समय के लिए, जिस वक्त आपको लगता है कि स्ट्रेस मुझे ज़्यादा होता है या इन कंडीशंस के साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पर आप थोड़ा बहुत योगा और अदर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे योगा है, मसाज है, इसके अलावा जैकॉब्सन, मिकल्स वगैरह ने कुछ टेक्निक्स दिए हैं जिसमें कि पेशेंट अगर खुद सोचे कि मैं अपने बॉडी के इस पार्ट को रिलैक्स करना चाहता हूँ तो उसमें उसको ये फीलिंग होने लगती है कुछ देर के बाद कि मैं रिलैक्स हूँ। इसके अलावा प्राणायाम यानी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो इन सब चीज़ों के सहारे वो स्ट्रेस को थोड़ा दूर रख सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज़ उसको प्रिवेंशन के लिए कि ये जो सिचुएशन आने वाली है, आप उस वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी अपने आप को तैयार कीजिए। उसके लिए आप पहले से प्लांट करिए कि मेरे साथ ये दिक्कत हो सकती है कि मैंने अपना सिलेबस पूरा याद ना किया हो या तैयार ना किया हो तो ऑन दैट टाइम मैं फेल हो सकता हूँ। अगर आप इस तरह की सोच लेकर चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स पहले तो जो है ना केयरलेस हो जाते हैं, उस सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखते कि कल क्या दिक्कत आएगी, और लास्ट मोमेंट पे जाने के बाद वो सिचुएशन में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, इसी की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दर्शकों, तनाव प्रबंधन पर अभी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम। International Theatre Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organizes oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. अच्छी सेहत की हो चाहत या फिर बीमारी से राहत, देखिए हेल्थ दरबार हर गुरुवार शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन देहरादून। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का हेल्थ दरबार में स्वागत है। लौटते हैं अपनी चर्चा पर, लेते हैं एक सवाल दर्शकों से। मैं मिसेस डिंपल मेहता जीआरडी से, मेरा एक सवाल है कि मैं जब भी अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए कुछ भी टिफिन तैयार करके भेजती हूँ, उन्होंने कभी भी उसको पसंद से खाया नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें मेरे हाथ का पसंद ही नहीं आता, तो मुझे इस बात का हमेशा से ही टेंशन रहता है। तो मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहती हूँ कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल आया है। हर घर में खासकर महिलाओं को ये तनाव रहता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाए और खाना पसंद भी आना चाहिए, नहीं आता है तो भी तनाव में रहती है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें इसमें दोनों सिचुएशन को वॉच करना पड़ेगा। फर्स्ट, तो जो आप सर्व कर रहे हैं, पहली चीज जो आप सर्व कर रहे हैं उसको भी, और उसके अलावा जिसके पास सर्व होके खाना जा रहा है उसको भी। कई बार इस तरह की सिचुएशन होती है कि आप जिसके पास खाना सर्व करके लेके जा रहे हैं वो सिचुएशन के लिए अडेप्ट नहीं करा हुआ है, वो अपने आप मेंटली तैयार नहीं है कि मैं रिलैक्स होकर खाना खा पाऊँ, वो कहीं स्ट्रेस में है कि कहीं पूरे दिन के काम की वजह से परेशान है या किसी और चीज़ को लेकर वो उसका दिमाग डाइवर्टेड है, तो ऑन द टाइम आप उसको कितने भी कोई अच्छा डिश लेकर जाएंगे वो उसको नहीं खा पाएगा। क्योंकि आप इसे इस चीज़ से रिलेट करके देख सकते हैं, ये तो आप खाने की बात कर रहे हैं, कई बार जब आदमी परेशान होता है तो वो सो तक नहीं पाता, तो जो आदमी सो नहीं पा रहा आप उसे खाने के लिए कैसे सोच सकते हैं कि आप खाना लेकर जा रहे हैं और वो खा रहा है। तो पहले तो आपको ये वॉच करना पड़ेगा कि उनके मेंटली स्किल्स कहाँ हैं, वो क्या उस सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हैं, क्या रिलैक्स्ड हैं वो उसके खाने के लिए, या उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स चेंजेस तो नहीं है। हो सकता है कि वो खाना जो है पहले खाना चाहें, बाद में खाना चाहें, या उस वक्त तैयारी ना हो खाने के लिए। दूसरी बात, आपकी तरफ से कई बार ऐसा होता है कि आप खाना तो सर्व कर रहे हैं लेकिन आपने अपने हिसाब से सोचा कि आज इनको ये खाना बनाकर देना है या मुझे इस तरह से ये काम करना है। आपने ही सोचा उनको खाना अच्छा तो लगता है ये वाला, कभी कभी उन्होंने पसंद किया है, उसको मैं आज बना कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए वो सोच के बैठे हुए थे कि कल मुझे खाना था। आप उन नेक्स्ट डे उसको सर्व करेंगे, नो डाउट वो उसमें जो है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, उसको ढंग से नहीं खा पाएंगे,
तो सबसे पहले आपको दोनों तरफ से ये मैनेज करना जरूरी है कि आपका और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो। कई बार ये होता है कि पर्सन खाना लेके जाता है ऑफिस में, स्कूल में, लेकिन वो दूसरी चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि खाने के लिए टाइम ही नहीं होता। पूरा का पूरा टिफिन वो खोलकर ही नहीं देखता और वापस लेके चला आता है। आप उस हालत में अपने आप को दोष नहीं दे सकते कि वो खाना खराब था, क्योंकि वो खाना मैटर नहीं कर रहा है, उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशंस है ये ज़्यादा मैटर करती हैं कि उसके साथ वो कोप अप कर पाता है या नहीं। डॉक्टर साहब, हमारे एक नन्हे दर्शक आपसे कुछ जानना चाहते हैं तनाव प्रबंधन में, चलते हैं दर्शक के पास। मेरा नाम अनमोल शर्मा है, मैं अपने स्कूल की टीम से क्रिकेट खेलता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्कूल की टीम एक अच्छा स्कोर नहीं खड़ा कर पाती, तो उस समय मुझे बैटिंग पर भेज दिया जाता है। उस समय जो स्ट्रेस मेरे ऊपर होता है, उस स्ट्रेस से कैसे बचा जाए? तो सब हमारे नन्हे दर्शक ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि कैसे उस वक्त जब टीम प्रेशर में हो तो उस तनाव से कैसे मुक्त हो, ये सवाल मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर परवीन। ऐसे सिचुएशन में आपको भेजा गया है जबकि कई प्लेयर आउट हो चुके हैं, तो उस सिचुएशन को आप एज ए स्ट्रेस नहीं लो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, अपनी टीम के लिए अच्छा कर सकता हूँ, और फिर उसके थ्रू आप जाओ और अच्छा करो। तो उसको स्ट्रेस की तरह नहीं लो, तो आप जो है अच्छी बैटिंग करके और अपनी टीम के लिए अच्छा रन बना के काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ खेल के जो है अपनी टीम के लिए अच्छा कर सकते हो। उसको स्ट्रेस की, उसको एज ए स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, स्ट्रेस की बजाय कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे और अच्छा खेलो, ये कर सकते हो आप। अच्छा, दर्शकों के बीच से स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कुछ सवाल और आ रहे हैं, लेते हैं एक सवाल दर्शकों से। मैं कृतिका शर्मा, और मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जब भी हम जीडीज और इंटरव्यू फेस करते हैं तो उस वक्त होने वाले टेंशन का क्या कारण है? इस सवाल का जवाब जानेंगे ब्रेक के बाद। International Theatre Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organizes oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. अच्छी सेहत की हो चाहत या फिर बीमारी से राहत, देखिए हेल्थ दरबार हर गुरुवार शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन देहरादून। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का हेल्थ दरबार में स्वागत है। तो लौटते हैं अपनी चर्चा पर। ब्रेक से पहले एक सवाल आया था कि किस तरीके से हम वो इंटरव्यूज जब फेस करते हैं, जीडीज ग्रुप डिस्कशंस में जब हम बैठते हैं तो एक प्रेशर में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, उससे कैसे बचे, ये सवाल मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर विनाक्षी से। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो अब तक हमने जो भी अपनी लाइफ में प्रोफेशनली जो कुछ भी किया है उसे हमें 5 या 10 मिनट में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। पहली बात तो ये, ना तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कीजिए, ना अपने आप को ओवर एस्टिमेट कीजिए। अपने आप को अपने अराउजल लेवल को एक ऑप्टिमाइज स्टेज पर रखिए, यस आई कैन डू। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा जब भी इंटरव्यू से पहले आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं उससे पहले आप ये बात बिल्कुल मत सोचिए कि ये मुझे नहीं आता, उसने ये पूछ लिया तो क्या होगा। जो चीज़ आपको आती है उसी बात पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर कोई ऐसा होता भी है जब आप इंटरव्यू पे सामने बैठे हुए हैं, उसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं कोई ऐसा सवाल पूछ भी लेते हैं, तो उनका कभी भी वेग आंसर मत दीजिए। आपको नहीं आता तो डायरेक्ट कहिए कि सॉरी मुझे नहीं आता। हमेशा हर एक बात को जो है घुमा फिरा के मत कहिएगा, ये बात आप खास ध्यान रखिए, इससे आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे। अपने आप को ना तो अंडर एस्टिमेट करें ना ओवर एस्टिमेट करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। भाग दौड़ की जिंदगी आम व्यक्ति जी रहा है, खासकर युवा वर्ग को यदि देखा जाए तो वो बहुत तनावग्रस्त रहता है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इससे संबंधित ही एक सवाल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। चलते हैं दर्शक के पास, लेते हैं उनका एक सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम बबीता भंडारी है और मेरा सवाल यह है कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहती हूँ, तो कृपया मुझे इसका समाधान कीजिए। तो सब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वह अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखें, खासकर जब वो जॉब्स में होते हैं तो जब जॉब सेटिस्फेक्शन भी उनको देना होता है और अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन करना होता है। तो ये सवाल मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर उदयन से कि वह कैसे तनाव मुक्त रहें उस वक्त, ये बताएं। स्वास्थ्य के बारे में जो बात है, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है, अपनी लाइफ को शेड्यूल करना है। आपकी जो होल डे की लाइफ है
जो आपने मैनेज किया हुआ है टाइम टेबल, उसी को फॉलो अप करिए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे टाइमली एक्सरसाइज करनी है, डाइट लेनी है, इस वक्त ब्रेकफास्ट लेना है, उन सब रिक्वायरमेंट्स को टाइमली फुलफिल करिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेस को लेकर, चाहे वो आप बाकी प्रॉब्लम्स में देखें यहाँ देखें, केवल प्रेजेंट को जिया कीजिए। आप यदि फ्यूचर या पास्ट को जब कभी भी साथ में जोड़ेंगे आपको स्ट्रेस आएगा। आप स्वास्थ्य को लेकर इसलिए परेशान होंगे, या तो आपने किसी को देखा होगा या आपको पहले कोई प्रॉब्लम रही होगी। आप उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट को जिया कीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आपको कभी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। हमेशा प्रॉब्लम्स तभी आती हैं, स्ट्रेस तभी आता है कि जब आप प्रेजेंट के साथ में पास्ट या फ्यूचर को कोरिलेट कर लेते हैं और उसमें से कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से आपका साइकोलॉजिकल लेवल कम हो जाता है। आप या तो डिप्रेस होंगे या फिर स्ट्रेस में रहेंगे। तो आप कोरिलेट मत करिए किसी चीज़ को। एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर हरपाल पचीजा जी से, कि अक्सर देखा गया है कि जब एक लड़की जिसकी शादी तय होनी होती है और उसको दिखाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब लड़के वालों को दिखाया जाता है तो वो एक तनाव में आ जाती है, तो इस तरीके से आपकी क्या वो टिप्स होंगी कि वो तनाव में ना रहे? उसके तनाव का जो है वो मेन कारण यही होता है कि क्या मालूम मेरे को वो लोग पसंद करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। वो सिर्फ उसके अपने लिए नहीं, उसकी पूरी फैमिली की प्रेस्टीज उसके साथ जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो अंडर प्रेशर आ जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उसको अपना सेल्फ एस्टीम जो है वो बना के रखना है। उसको ये मान के चलना है कि मैं किसी चीज़ में किसी से भी कम नहीं हूँ। अगर वो नहीं पसंद करेंगे तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो दूसरा बंदा जो है वो मेरे काबिल नहीं था, ना कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अगर ये आप हीन भावना के साथ करेंगे तो आप स्ट्रेस में ज़रूर आएंगे। आप अपना जो है सेल्फ एस्टीम ऊँचा रखिए, क्योंकि एक आपके लिए जो है वो एक ही लाइफ में नहीं है कि वही व्यक्ति होगा। हो सकता है आप ही को वो बंदा पसंद ना आए। अब ये मान के चलिए कि मैं जिसको मैं जो मेरे को देखने आ रहा है, आप भी उसको पसंद आनी चाहिए, वो भी पसंद आना चाहिए। तो ये म्यूचुअल होता है, ये नहीं कि खाली उसी की पसंद जो है वो काउंट करेगी, आपकी नहीं करेगी। अपना सेल्फ एस्टीम को जो है आप अगर हाई रखेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, तो आपको कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक तनाव रहित कैसे रहें, यह वो अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ें, यह मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर हरपाल पचीजा जी से। ऐसा है, एक लेवल जो होता है स्ट्रेस का वो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी भी होता है। जब तक आपके अंदर कुछ स्ट्रेस लेवल नहीं होगा, आप अपने गोल की तरफ नहीं जाएंगे। कुछ लेवल जो है, एक लेवल तक स्ट्रेस जो है वो होनी बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर कहेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेस से आप रहित रहेंगे, तो आप जो है अपने लिए जो गोल्स सेट करते हैं आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में आपको मालूम होता है, तो आप अपने लिए गोल उतना सेट कीजिए जिसको कि आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप अपने लेवल से ज़्यादा हाई गोल जो है उसको सेट करेंगे, तो आप उस चीज़ को अचीव कभी भी नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत लो हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस से बढ़ते बढ़ते आप एंग्जाइटी की तरफ बढ़ते हो, और जब एंग्जाइटी बढ़नी शुरू हो जाएगी तो आप डिप्रेशन स्टेट में आ जाते हैं। तो उस चीज़ से आपको दूर रहना है। रियलिटी को आप फेस करते हुए अपने लिए गोल्स वही फिक्स कीजिए जिनको कि आप पूरा कर सकते हैं। थर्डली, अगर आप बहुत आपके अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन है, तो उसको आप निकालने के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढें जिसमें कि आपको अपना इंटरेस्ट हो। मान लीजिए एक बच्चा जो है अगर वो बहुत गुस्से में है, तो उसको अगर हम वॉलीबॉल खेलने भेज दीजिए, फुटबॉल खेलने भेज दीजिए, तो उसका सारा का सारा स्ट्रेस जो है वो अपना बॉल पर निकाल कर थोड़ी ही देर में वो फ्री हो जाता है। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस काम को करके आप जो है अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी यही होता है कि स्ट्रेस के अपने गोल्स को जो है आप उतना ही फिक्स कीजिए जितना कि आप अचीव कर पाएंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर विनाक्षी से कि उनकी बेहतर टिप्स क्या होंगी दर्शकों के लिए, वे बताएं। हमारी अनफेवरेबल सिचुएशन को लेकर ही आता है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, उसमें अपना हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण। दूसरी चीज़, जैसे कि
अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर होती है। अगर हम किसी दूसरे को साथ देखकर चलेंगे कि उसने ऐसा किया, मैंने नहीं किया, वो उस स्टेज पे है, मैं अभी नीचे ही हूँ, तो हम ऐसा हो सकता है कि हम शायद वो मंजिल, जो गोल है, वो अचीव ना कर पाए। हमेशा अपने आप को इंसान में सेल्फ डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं कि अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, मैं अपने अंदर और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इससे आप काफी हद तक स्ट्रेस से रिलीव रह सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर उज्जैन से कि वह बताएं कि दर्शकों के लिए उनके पास क्या बेहतर टिप्स। देखिए, स्ट्रेस से बचने का सबसे बेस्ट टिप यह है कि आप फिजिकल फिटनेस, फाइनेंशियल फिटनेस और सोशल फिटनेस, इन तीनों पर ध्यान दें और इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें, जिसके बाद आप अपना एक मेंटल फिटनेस लेवल तैयार करके रख सकें। इन तीनों के लिए आपको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अपने एम्स, गोल्स डिसाइड करने होंगे कि मेरे जी इतना मैं फिजिकली फिट एंड फाइन हूँ कि अपना काम कर पाऊँ, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपना काम करने लायक रहूँ, मेरा सोशल लेवल इतना रहे कि मुझे इतना फेम चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना आप मेंटल लेवल हमेशा डिसाइड करिए। उसके बाद में जब कभी भी आपको इनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं, तो कुछ बेसिक प्रोसेसेस जैसे कि आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, नॉर्मल एनवायरनमेंट में आप जो है ना अपने आप को योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, बच्चों के साथ मिलना है, इस तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आइए। बाकी स्ट्रेस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कि सिंपल यह है कि आप उस सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो मेंटली आप तैयार रहिए कि हर सिचुएशन को फेस करने के लिए इन प्रेजेंट सिचुएशन। दर्शकों, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने चिकित्सक पैनल एवं अपने दर्शकों का। साथ ही आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आपकी कोई जानकारी है अथवा समस्या, या आपका हमारे कार्यक्रम के संबंध में कोई सुझाव है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sixvision@readymail.com। तो दर्शकों, फिलहाल दीजिए हेल्थ दरबार की टीम को इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई jaikisan.org। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बढ़ते कदम jaikisan.org।